आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर भारत लाइव को। आरसीपी सिंह टैक्स चर्चा में है और इस चर्चा को बड़ा कर दिया है तेजस्वी यादव ने। आपको याद होगा कि अनंत सिंह के AK-47 के मामले में जब उन्होंने कोर्ट में खुद को सरेंडर किया दिल्ली में, उसके बाद लिपि सिंह जो कि आरसीपी सिंह की बेटी है वो उन्हें वहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर लाने जाती हैं। खैर, जब वो जाती हैं तो वो एक MLC की गाड़ी पर जाती है, जिसके बाद चर्चा गंभीर हो जाती है और कहा जाने लगता है कि MLC की गाड़ी से तो वो गई लेकिन उस गाड़ी पर सांसद का स्टिकर होता है। जब छानबीन शुरू होती है, मीडिया इन्हें खंगालने लगती है तो पता चलता है कि MLC ने अपनी गाड़ी आरसीपी सिंह को भेंट दी थी, वो भी MLC बनने के बाद। अब इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जमकर हमला करते हैं और कहते हैं कि MLC ने जो गाड़ी दी है वो आरसीपी सिंह टैक्स है और MLC बनाने के लिए आरसीपी सिंह पैसे लेते हैं, टिकट बेचते हैं। अब उस पर जमकर हमला किया है ददन पहलवान ने। आपको बता दें कि JDU से विधायक ददन पहलवान ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि आरसीपी सिंह टैक्स की बात कौन करता है, ये वो कह रहे हैं जिनके पिता, जिनकी माता जब मुख्यमंत्री थी तो बिहार में लारा टैक्स चलता था, 90 की बात उन्होंने याद दिलाई। साथ ही साथ उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि लोकसभा में बड़ी हार के बाद उनकी जो योग्यता है राजनीति में उसे सब कोई बखूबी जान लिया। पहले आप देखिए कि क्या कुछ कहा है ददन पहलवान ने हमसे बात करते हुए। सर, तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि JDU में RCP टैक्स चलता है और यही कारण है कि जो MLC की गाड़ी वाला मुद्दा गर्म हुआ है उसको वो जमकर क्लास लगा रहे हैं आपकी और NDA की। देखिए, हमारा तेजस्वी यादव के कोई बोलने का हक नहीं है, इसलिए कि उनका तो प्रमाण है कि पशुपालन घोटाला में उनके पिताजी अभी जेल में हैं। ये पूरे परिवार टैक्स लेकर ही टिकट बांटते हैं जी। हमारा पार्टी में आज तक कोई प्रमाण साबित नहीं कर सकता है, चाहे नीतीश कुमार की बात है, RPC सिन्हा की बात हो, कोई भी नहीं कर सकता है कि हमसे कोई पैसा लेकर ये टैक्स लेते हैं या पैसा लेते हैं। तो RPC सिन्हा के सिंह के हमारे दल में या बाहर में भी हर जाति बिरादरी में अच्छा इनको समान है, इसलिए कि एक बड़े पद अधिकारी रह के या राजनीति में आए हैं तो सारे लोग कोई लेकर चलते हैं और सबको एक समान प्यार दुलार समान करते हैं। इसलिए तेजस्वी को तो अपना घर पहले संभालें, अपना घर की स्थिति पहले देख लें। एक बेटी दूसरा को ले आकर उसको रोटी के लिए भी लोग परेशान करते हैं। वह लड़की के बयान 2-4 दिन पहले हम लोग देखे कि आपका नौकर जैसा हमसे व्यवहार हो रहा है, अब मुख्यमंत्री राबड़ी देवी टर्चर कर रही है घर से भागने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये लोग के कोई अस्तित्व नहीं है, ये अब राजनीति में हो या हमारे जादव ब्यादरी में, ये जो ये लड़की के चलते अभी चल रहा है बिहार में कि वो बेटी के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा नीतीश कुमार पर किसी प्रकार का आरोप नहीं है, इसलिए कि पूरे भारत जानता है कि नीतीश कुमार ने जो हमारे बिहार में काम किए हैं RPC सिंह के देख रेख में, जो गांव में बिजली पानी रोड नली गली और स्कूल की व्यवस्था, बच्चा को खाने की व्यवस्था, बच्चा को साइकिल की व्यवस्था, बच्चा को बस्तर की व्यवस्था, या जो 15 साल के शासनकाल में नीतीश कुमार ने जो किया उसका कोई मिसाल नहीं है। पूरे भारत में नीतीश कुमार का नाम है। RPC सिंह का जो काम है और जो कार्य है इससे पूरे बिहार प्रभावित है, इसलिए तेजस्वी की बोलने की कोई अधिकार नहीं है। ये लोग तो गलत हैं ही, इसलिए कि आप लोग देखिए कि कभी कुछ कोई अपराधी को विरोध करते हैं ये लोग और कभी उसी अपराधी को जाकर वोट मांगते हैं, माँ और बेटा। इसलिए ये लोग पर कोई मतलब कि अब कोई इनका बात सुनने वाला बिहार में नहीं है। यही कारण तो नहीं है ना सर कि कांग्रेस ने भी कह दिया है कि 2020 के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे या फिर CM कैंडिडेट नहीं होंगे? तेजस्वी, CM कैंडिडेट कैसे बन सकते हैं? देखे नहीं, लोकसभा चुनाव में तो बहुत मोहरा बना के घूमे अकेले, आपको 0 रिजल्ट मिला, जो अपना परिवार को बहन को भी नहीं जिता पाया, उसको कैसे बिहार के लोग, कैसे बिहार के नेता? पहले तो इनका पिताजी के शासनकाल में बिहार के लोग देखा है, तरह तरह के अपहरण की बात हो, चाहे आपका दंगा की बात हो, बथानी नरसंहार से नारी नरसंहार, सासाराम में दंगा,
सिरघाटी में दंगा, फिर आपका सीतामढ़ी में दंगा, मियाँपुर नरसंहार, ऐसी ऐसी स्थिति को बिहार के लोग जल के समझिए कि अभी नीतीश कुमार ने बचाने का काम किया है, सुशासन लाने का काम किया है, अपराध मुक्त करने का काम किया नीतीश कुमार जी, और भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम किया नीतीश कुमार जी ने, और समझिए कि अपराध मुक्त और नरसंहार और दंगा से मुक्त किए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी का एक चीज़ है कि नीतीश कुमार किसी को मदद भी नहीं करते हैं गलत लोग को, ना उसको बचाने का कोशिश करते हैं, यही नीतीश कुमार की क्वालिटी है। मांझी जी को आप लोगों ने 9 महीने के लिए सीएम बना दिया, और सर एक बार फिर उनकी ख्वाहिश जाग गई है मुख्यमंत्री बनने की। देखिए, ये तो नीतीश कुमार जी का समझिए कि भूल कहा जाएगा, ये बनाना भी नहीं चाहिए था। और दूसरा नंबर, अभी जो ये पप्पू यादव बोल दिए कि मांझी को हम मुख्यमंत्री बना देंगे, तो ये यादव परिवार के लिए क्या सोच रहे हैं? यादव परिवार तो हमारी तो संख्या ज़्यादा है, तो यह समझिए कि लालू यादव 500 साल पीछा ले गए यादवों की राजनीति, तब पप्पू यादव भी वही लगे हैं कि यादव की राजनीति एकदम मिट जाए, इसलिए ये लोग, ये हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते रहते अभी कोई मुख्यमंत्री बिहार के नहीं बन सकता है, इनके बाद यादव का स्थान आएगा। सर उपचुनाव जल्द हो जाएंगे, 4 सीट जेडीयू के खाते में जो अब सांसद बन गए, बीजेपी सीट मांगेगी तो आप लोग दीजिएगा? अब देखिए, वो तो मुख्यमंत्री जी का प्लानिंग है, यदि हमारे दल का सांसद होंगे तो हमारे दल का सांसद जो जीत के गए होंगे तो ये हमारा अधिकार बनता है वहाँ पर उपचुनाव लड़ने का, इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी का और आपका एनडीए गठबंधन का बहुत अच्छा तालमेल है, इसमें नीतीश कुमार जी बहुत आगे हैं, और नीतीश कुमार जी जो सोचेंगे हम लोग स्वागत करेंगे, जी जान लगा कर उसको जिताने का हम लोग काम करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार, तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपको पत्रकारिता में हमारा ये प्रयोग अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और पेटीएम नंबर नोट कर लीजिए 9386816700। धन्यवाद।